नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे वॉलपेपर की, विंडोज़ वॉलपेपर। हम सभी लोग जो लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हम अपना जब कंप्यूटर लैपटॉप खोलते हैं तो सबसे पहला जो स्क्रीन आती है कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद में, उसमें हमारा वॉलपेपर होता है। वॉलपेपर देखने से ही मन खुश हो जाता है। जनरली अधिकतर लोग अपनी जो फ़ोटो विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर होते हैं वो लगे रहने देते हैं। कुछ लोग अपने कैमरे से खींची हुई फ़ोटो को वॉलपेपर बना देते हैं, लेकिन उसमें ही ऑप्शंस होते हैं जैसे फुल स्क्रीन या टाइल्ड या स्ट्रेच, ऐसा करके होते हैं। और उसी में लिमिटेड में ही आपको स्क्रीन अपना वॉलपेपर बनाना पड़ता है। साथ में हमारे विंडोज़ में सब के कंप्यूटर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स होते हैं जिनके शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बने होते हैं या डायरेक्ट फोल्डर होते हैं। ज़्यादा बड़ी वॉलपेपर होने के कारण वो छुप जाते हैं और बड़ी दिक्कत होती है, चाह के भी लोग फोटो नहीं डाल पाते। दूसरी चीज़, फ़ोटोज़ को देखने के लिए जो विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट इमेज व्यूअर्स जो होते हैं, वह जब फ़ोटो खींचती है तो बहुत स्लो हो जाते हैं, चाहे कितना ही आप कंप्यूटर में रैम डली हो, चाहे 8 GB हो, लेकिन वो स्लो हो जाता है। कारण ये है कि पहले फ़ोटो छोटी आती थी, आजकल मोबाइल और कैमरे में मिनिमम 16 MP की फ़ोटो आ रही है। जब वो साइज में कंप्यूटर में डाउनलोड होती है तो देखते हैं 4 MB 5 MB की फ़ोटो है। एक बार में सैकड़ों फ़ोटो जब आपके एक फोल्डर में आती है, जब उसमें से सर्च करते हैं फ़ोटो, हज़ारों फ़ोटो उसमें, तो बहुत स्लो कंप्यूटर चलता है। इसके लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं, इमेज व्यूअर्स होते हैं। तो हम बात करेंगे आज एक ऐसे इमेज व्यूअर की जो इमेज व्यूअर भी है और साथ में बहुत अच्छा डेकोरेटिव वॉलपेपर डिज़ाइनर भी है, जिसका नाम है फास्टस्टोन। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इमेज व्यूअर्स। देखिए, आपको इतने सारे इमेज व्यूअर्स दिख जाएंगे, फास्टस्टोन, इंफ्राव्यू, एक्शन व्यू, फास्टस्टोन, ऐसे सैकड़ों हजारों इमेज व्यूअर्स हैं। लोग इमेज व्यूअर्स अलग से डाउनलोड क्यों करते हैं जबकि विंडोज़ के अंदर में अपने खुद के डिफ़ॉल्ट इमेज व्यूअर्स होते हैं? कारण ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत कम MB के होते हैं, इनमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा सुविधाएँ प्रदान करते हैं, वो फास्ट काम करते हैं। आज कैमरे या मोबाइल से कोई भी खींची हुई फ़ोटो 15 MP 20 MP, आजकल तो 48-50 MP के मोबाइल आम हो गए हैं। जब वो फ़ोटो हम कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, एक बार में सैकड़ों फ़ोटो आती हैं, उन फ़ोटो का साइज होता है 4 MB 5 MB 8 MB। एक बार में 100 फ़ोटो 200 फ़ोटो के फोल्डर में हमको कुछ फ़ोटो सर्च करनी है, तो जब उनको स्क्रॉल करते हैं तो फुल साइज में होने के बाद में बहुत स्लो हो जाता है हमारा कंप्यूटर, भले ही 8 GB रैम हो। विद इन अ सेकेंड हम फोटोज़ को आगे बढ़ा बढ़ा के देख पाते हैं इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से, जबकि विंडोज़ के जो डिफ़ॉल्ट इमेज व्यूअर्स होते हैं उसमें ये फैसिलिटीज़ नहीं होती है, वो बहुत स्लो काम करते हैं कंपेयर इनके। तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। ये देखिए, पहले ही आएगा फास्टस्टोन। इसके लिए फास्टस्टोन के और भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं फास्टस्टोन इमेज व्यूअर्स के साथ में, क्लोन, MXVO, फास्टन फोटो रिसाइजर। इसका पोर्टेबल वर्जन भी अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है, डबल क्लिक करने से आप खोल सकते हैं उसको, जिप फॉर्मेट में है। हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि हम उसको विंडोज़ की जगह अपना डिफ़ॉल्ट बनाएंगे। देखिए, हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, फास्टस्टोन इस तरह से आ चुका है इमेज व्यूअर। हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे मुझे देखना है उसको अपने डिफ़ॉल्ट बना दूंगा। अनदर ऐप में क्लिक कर देता हूँ। इसमें ये विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है फोटोज़, उसमें होने से स्लो हो जाता है। मैं इसको इसका अपना इस तरह से क्लिक करके ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन द JPG फाइल्स, ये डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, इसको हो जाएगा। मैं दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, कर देते हैं। अभी तक वॉलपेपर बनाने के लिए हम किसी भी फोटो को राइट क्लिक करके सेट एज वॉलपेपर करते हैं तो वह फोटो वॉलपेपर आ जाती है। इसमें किस तरह से आता है, सेंटर आता है, फिट आ जाता है, कवर आ जाता है, टाइल आ जाता है, तो पूरा आपका जो मॉनिटर है, आप समझ लीजिए आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, ये मॉनिटर है आपका, इसमें टाइल होने से सब जगह आ जाएगी, कवर होने से सिर्फ इस तरह से आएगा। अब जैसे मैं इसको करता हूँ सेट एज वॉलपेपर, ये तो, पर इस सॉफ्टवेयर का हमने यूज़ क्यों किया, ये तो विंडोज़ डिफ़ॉल्ट में आता है,
जी हाँ, यही इसके पावर के लिए हम बात कर रहे हैं, इससे आगे भी इसमें काम कर सकते हैं। डबल क्लिक कर दीजिए, ये इस तरह से खुल जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, कोई भी फोटो पर क्लिक करना है हमको, और जाना है हमारे टूल्स पर, वॉलपेपर पर क्लिक करना है। देखिए इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं, सेट वॉलपेपर एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, सेट एज वॉलपेपर, अभी हमने वॉलपेपर क्लिक किया था, और क्लियर, क्लियर करने से हट जाएगा जो भी वॉलपेपर था हट गया। हम फिर से जाते हैं टूल, सेट वॉलपेपर, सेट एनीवेयर ऑन द वॉलपेपर, ये देखिए अपने आप नहीं भी सेट हो जाएगा ये फोटो, अभी नहीं हुआ, ये देखिए इस तरह से सेट कहीं भी हो गया है आ जाएगा। हम इसको यहाँ करेंगे सेट एस वॉलपेपर, ये देखिए आ गया है। लेकिन हम इससे आगे भी काम करना है, कैसे, हम यहाँ से बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं और कोई भी आप करके देख सकते हैं, पर डिफ़ॉल्ट कलर इसका बहुत अच्छा दिया हुआ है, मैं इस कलर को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, वरना हम चाहें तो रेड भी कर सकते हैं, अपने जो कलर चाहेंगे वो आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे। साथ में अब हम इसमें और भी फोटो डाल सकते हैं, ये चारों फोटो में डाल दी। क्या करना है ये देखिए, जिस तरह भी चाहेंगे, क्योंकि हम जब कंप्यूटर में लैपटॉप में काम करते हैं तो हमारे डेस्कटॉप में अक्सर भरा हुआ डेस्कटॉप होता है, बहुत सारे फोल्डर्स बने होते हैं, शॉर्टकट बने होते हैं, जल्दी काम करने के लिए हम उनको हटाते नहीं हैं, डेस्कटॉप में ला के रखते थे ताकि हमारा तुरंत के तुरंत काम हो सके। अक्सर 99% लोगों के लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में भरे होते हैं, उस तो ज़रूरी नहीं कि पूरे उसमें डालें, हम थोड़े से एक ही फ़ोटो डाल सकते हैं, कोने में भी डाल सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उसको अलग से डिज़ाइन करके डाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये है, ये हम सबसे पीछे रखेंगे बैकग्राउंड में, इसके पीछे हम इसको कोई भी एक बॉर्डर दे सकते हैं, देखिए इसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ये मेरी चार पांच फोटोज हैं, ये देखिए हमारा इस तरह से हम डाल दिया, प्री डिजाइन वाले फोटोज ये वो है बने हुए हैं, इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये आ गया मेरा फोटो इस तरह से, एक इनमें भी कुछ डाल देंगे फोटो, इसमें क्रॉप भी कर सकता हूँ इस फोटो को मैं, ओके देखिए यहीं पे मैंने क्रॉप कर दिया। ये फोटो आ गया, जैसा आप चाहें इसमें डिजाइन कर सकते हैं, एक ही फोटो के अंदर कितने सारे फोटो आ जाएंगे। हम चाहते हैं छोटा ही आए क्योंकि हमारे स्क्रीन में बहुत सारे फोटोज होते हैं, ये डाल दिया मैंने, ये कर दिया फोटो, ठीक है इसके पीछे जा रहा है। जब ये फोटो डाला है तो इसको हटा देते हैं, ज्यादा फोटो डालने हैं, इसको हम यहां डाल देंगे, सारे का सारे सेलेक्ट करके हम चाहेंगे कि इस कोने में हमारा वॉलपेपर आए। अब ये फोटो को हटा देता हूँ, इसका बैकग्राउंड ये अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपल सा डालता हूँ उसको, और इसको कर देता हूँ सेंड टू बैक, और इसको लेके इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा मुझे नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए,
ये देखिए, अरे अब इसमें ऑप्शंस हैं, सेट एस फाइल, ये सिंगल एक फाइल ही बन जाएगी मेरी, इमेज पर्सनल डाल दिया, कुछ भी नाम कर दिया, सेट एस वॉलपेपर क्लिक करूंगा। ये देखिए सेट एस वॉलपेपर आ गया, इस कोने में आ गया, मेरे यहाँ पे जितने जो मैंने अभी हाइट कर रखे हैं मेरे डेस्कटॉप पे आइकॉन्स, मैं उनको दोबारा ले आऊँगा क्योंकि बिना उसके काम होता नहीं है। और देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस और भी हैं, ड्रॉप शेडो, सबसे बड़ी बात है इस इमेज की, इस सॉफ्टवेयर की, कि इससे आपकी जो फोटोज़ की देखने की जो स्पीड है बहुत बढ़ जाती है। ये सब कैमरे से खींचे हुए 5-5, 7-7 मेगापिक्सल के फोटोज़ हैं। देखिए तब यूज़ कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।